जा रहे हैं पप्पू भैया के पास, आज अंडर बिल इंस्टॉल करवाएंगे। ओ भाई साहब, इसका फील ही भाई अलग, एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। हेलो गाइस, बाप रे मोटर ब्लॉगर। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, काफ़ी दिनों बाद आज एक्टिव हुआ हूँ यूट्यूब पे। बहुत दिन से वीडियोस वगैरह छूट गया था, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो मुझे फॉलो करते रहेंगे उनको पता होगा कि भाई मैं स्कूटी से गिर गया था कुछ दिन पहले। एक बच्चा अचानक रोड क्रॉस करके अचानक से दौड़ गया था, जिस वजह से हम गिर गए थे। तो भाई पैर में पूरा एकदम खतरनाक टाइप से स्क्रैचेस लग गया था, जिस वजह से रील भी रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहा था, और ब्लॉग तो खैर छूट ही गया था भाई। तो प्रॉपर फिट हो गए हैं भाई, तो आज से अब ब्लॉग भी अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे लकी भी मेरा बाइक लेके जा रहे हैं, देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले फ्यूल अप कराने जा रहे हैं, और ये देख सकते हो आप लोग अंडरबिली आज जा रहे हैं पप्पू भैया के पास, आज अंडरबिली इंस्टॉल करवाएंगे। और अंडरबिली के बाद आप लोग देखो लुक कैसा आता है। चलो पहले फ्यूल अप करा लेते हैं एमटी में। पूरा फ्यूल लो हो गया, क्योंकि आज ही निकाले हैं, आज 3-4 हफ्ते के बाद भाई आज बाइक निकाले हैं। सो गाइस, फ्यूल अप तो हो गया, और भाई हजारीबाग में गजब का गर्मी बढ़ गया भाई। रील वील बनाने के लिए भी अभी सोचना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया ना भाई इधर, क्या ही बताएं। लेकिन आज बहुत मुश्किल से कोशिश करके आज निकले हैं, और पैर तो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है 90% आपको बताया। लेकिन फिर भी अभी भी जूता पहनने में भाई बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन क्या बोले भाई, ज़्यादा दिन तक बैठ कर रह भी नहीं ना सकते हैं। रील भी भाई कंटिन्यू इतना दिन से छूट गया, तो भाई आज तो प्रॉपर रील शूट कर लेंगे, और कल से भाई रेगुलर रील भी आएगा और ब्लॉग भी रेगुलर होगा भाई, है ना। तो चलो सबसे पहले अंडरबेली इंस्टॉल करवाते हैं। तो स्कूटी पे भाई एकदम देख के ही चलना यार, और ख़ास करके जानवर और जो बच्चे लोग हैं। ओ भाई साहब, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, ये आवाज़ के चक्कर में भूल जाते सब चीज़। खैर हम लोग कहाँ थे, हाँ तो स्कूटी भाई एकदम सोच समझ के चलाना यार, और ख़ास करके जो बाइक वाइक चलाते हैं ना भाई, उसको स्कूटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग तो रिलेट करते होंगे, सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसमें। और लोकेशन देख रहे हो यार, यहाँ पे हम लोग रील वगैरह बहुत बनाते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन है, स्ट्रेट रोड बिल्कुल। अरे कहाँ भाग रहे हो चिचा, अरे माँ कसम, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ बे। बताओ, खास करके राइड वाइड करते टाइम ये सब देखते हैं तो भाई और डर लगने लगता है। तो आ गए गाइस अपने बाइक पे, काफी दिनों के बाद राइड कर रहे इसको, इसका फील ही भाई अलग, एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। अब आप लोग साउंड एंजॉय करो थोड़ा, पप्पू भैया का दुकान तो ज़्यादा दूर है नहीं। हो लक्की दा साउंड, चलो पप्पू भैया का दुकान तो पहुंच गए। यो गाइस, देख लो प्रॉपर यहाँ से रिमूव हो गया, स्टॉक अंडर मिले तो इसका रिमूव हो गया, और पप्पू भैया काफ़ी लेट कर दिए, कहीं गए हुए थे पप्पू भैया, हैंडल इसका देखो रिमूव हो चुका है। हेलो गाइस, बाप रे मोटर ब्लॉगर, असल में दिख जाएगा मेरा, बहुत 4K क्वालिटी में दिख रहे हैं। दिक्कत तो हो रहा है पप्पू भैया, क्या सीन है, दिक्कत है क्या? अरे अपना सुंदर मुखड़ा मत छिपाया करिए, लड़की लोग परेशान होती है इसलिए, पता है कि नहीं आप? हमें देखिए फ्लैट रहती है, वही चीज़ बोल रहे हैं आपको, आप समझ में नहीं करते बात को। और देख सकते हो भाई कुछ कुछ कस्टमाइजेशन हो रहा है इसमें, जैसे कि बेंड पाइप जो लगा हुआ उसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ से हल्का हल्का कटिंग हो रहा है, ताकि पाइप में ना सटे और गर्म वगैरह से हीट ना करके गल ना जाए। सो गाइस, फाइनली फिटिंग करते करते देख रहे हो काम हो गया बिल्कुल। खबर कौन है
क्या बोल रहे हैं जी पप्पू, कोई बात नहीं काट दीजिए। देख लो भाई, अलग अलग टाइप का कस्टमाइजेशन करना पड़ रहा है इसमें लगाने के लिए, अलग अलग जगह से कटिंग हो रहा है। काम हो गया पूरा कटिंग कराते कराते, देख रहे। गाइस फाइनली पूरा रात हो गया गाइस, और अभी तक फिट नहीं हुआ, देख रहे हो अभी भी फिट ही हो रहा है, अभी तक फिटिंग का काम खत्म नहीं हुआ, फिट हो ही रहा है। मे भी आज तो इसका फाइनल लुक नहीं ही दे पाऊंगा, तो आज आपको फिट देख लो, आज तो बस फिटिंग, और इसका प्रॉपर फाइनल लुक तो अब कल ही मिल पाएगा आप लोग को, तो कल ही इसका प्रॉपर व्यू भी देंगे, सिनेमैटिक्स भी देंगे और प्रॉपर लुक भी देंगे। तो गाइस अब कल ही मिलते हैं आप लोगों से, तो आज तो हो नहीं पाया, शाम भी हो गया और फाइनल लुक तो आ भी नहीं पाएगा, तो चलो कल ही मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस कल काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी, जिस वजह से प्रॉपर इसका सिनेमैटिक वीडियो नहीं निकाल पाया, तो फिलहाल तो आप लोग एक बढ़िया सा सिनेमैटिक इन्जॉय करो, उसके बाद मैं इसका प्रॉपर फिटिंग का बताता हूँ। Oh shit man. Oh my God. Let me show you what I got. सो गाइस आई होप आपको सिनेमैटिक पसंद आया होगा, तो बात करते हैं इसका फिटिंग प्रोसेस का। एक यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्लोज करूँ तो आपको दिखता होगा, देखो यहाँ पे सेंटर में एक पत्ती लगा हुआ है जिसपे वो नीचे से टाइट हुआ है, और इस साइड से देख लो आप लोग, तो जो ये कंपनी से रहता है वहाँ पे तो एक नट फिट हो गया प्रॉपर बढ़िया सा, और यहाँ पे रहता है ये इसका, तो ये तो खाली है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। सो गाइस जैसा कि आप लोग को पता होगा कि RC390 BS4 का अंडर बिली है, जो कि मैंने MT पे लगाया, तो इसका एक डिसएडवांटेज आप लोगों को बताता हूँ। ये जो कवर रहता है ये फुली कवर रहता है, जो कि RC के लिए प्रॉपर रहता है, उसका जो बेंड पाइप का रहता है वो इंजन के मतलब बीच से ही रहता है उसका बेंड पाइप, तो यहाँ पे नहीं सटता। इसमें क्या सीन हुआ है, ये बेंड पाइप तो मेरा MT का नीचे से है, तो नीचे से है तो ये भाई ये जो कवर है यहाँ पे हल्का हल्का गर्म होकर हीट होकर चिपक गया था इस पे, जो कि मैंने फिर से कटिंग करके वो पार्ट हटाया, जो कि आप लोग को दिख भी रहा होगा वीडियो में फुटेज में। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई क्रिएटर नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई ये इंस्टॉल करवाने जा रहा है तो आप पहले ही देख लेना, ये पार्ट कटिंग करवा लेना या हल्का सा डाउन करवा लेना, जो कि मैं फेस किया हूँ, जो मैं झेल चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों में से कोई और झेले। सीधा यहाँ पे जहाँ से विंड पाइप स्टार्ट होता है यहाँ भी आपका चिपकेगा, तो ये दो पार्ट आप लोग देख लेना, ये देख करके ही फिटिंग करवा लेना, पहले ही कटिंग करवा लेना आप लोग, क्योंकि ये पार्ट आपका चिपकेगा ही चिपकेगा, तो इस परेशानी से आप लोग बचना चाहते तो आप लोग पहले ही देख लेना ये चीज़। तो आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो जितने मैंने स्टेप्स बताए आपको इंस्टॉलेशन के, अगर उसमें आपका किसी भी डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट डाउन करना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। और लुक तो देख सकते हैं भाई लोग एकदम बल्की हो गया है, और जो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरे पैर में कुछ दिन पहले चोट लग गया था, जो मैं स्कूटी से गिर गया था गलती से नहीं, मतलब बच्चे का गलती से गिर गया था, तो अब मैं प्रॉपर फिट हूँ, अब ब्लॉग एकदम कंटिन्यू आएगा भाई लोग, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करना लुक कैसा आ रहा है प्रॉपर बाइक का। और गाइस कुछ दिन में मडगार्ड का ब्लॉग भी आने वाला है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कर करके वो सब्सक्राइब करके रखना, ब्लॉग आने वाला है भाई, बहुत आगे मजा आएगा। तो गाइस चलो मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।